कुछ मीठा हो जाए तो चलो बनाते हैं श्रीखंड, वो भी बस 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ। उससे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलो गुड़ी पड़वा स्पेशल श्रीखंड बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेनर लो, उसके ऊपर एक क्लीन रोल रख के उसके ऊपर दही डाल दो और उसे अच्छे से बांध के रख देना और उस पर थोड़ा सा वेट भी डाल देना ताकि एक्सेस पानी निकल जाए। उसे आप 4-5 घंटा हम बाजू मेनी अनबेरेबल आवर्स लेटर डालेंगे और उसे भी हम फ्रिज में रख देंगे। तो अब जमे हुए दही को हम निकाल के उसको दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और उसे अच्छे से मैश कर लेंगे जब तक वो स्मूथ और क्रीमी नहीं बन जाता। अब उसमें हम मैंगो पल्प डालेंगे, मैंने यहाँ पर मार्केट वाला यूज़ किया, अब फ्रेश वाला भी यूज़ कर सकते हो। फिर इलायची पाउडर, उसको अच्छे से मिक्स कर लो। उसके बाद फिर केसर वाला 1 चम्मच दूध डाल देना, इससे कलर आएगा अच्छे से और उसे फिर गार्निश करो आपकी मर्जी और नट्स ड्राई फ्रूट्स और उसे इंजॉय करना।